आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव मुनीमपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 15,000 वोटों वाले इस गांव की कमान इस बार फिर से सफदर अली संभाले हुए हैं। बताते चलें कि अच्छे कार्यों के कारण कई बार प्रधान चुने गए हैं। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्षों में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के मुनीमपुर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अपने गांव में अब तक कराए हैं? काफी नाले खंजे कराए हैं जी, और आवास भी बनवाए हैं जी। कितने आवास बने हैं? आवास करीब 25-30 तो बनी है जी। और ओडीए ग्राम पंचायत करा दिया गया है। यहाँ सरकार की जो योजनाएं चलती हैं गरीबों के लिए, जैसे उजाला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ सभी को मिला है? सभी लोगों को प्राप्त हो चुका है जी। एक दो रह गए वो मिल जाएगा। किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है वो कितने परसेंट लोगों को मिला है? 50-60% तक हो गया है, बाकी रह गया। बाकी आपकी कोशिश जारी है जारी। बाकी के लिए जी सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगवाई है? सोलर लाइट है, हाँ कुछ लगी है जी। ताकि आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, राशन कार्ड, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। आते हैं नियमित? हाँ आ जाते हैं, तबियत खराब हो जाती है तो ना भी आती है हमारी सफाई। स्कूल पर क्या क्या काम करवाए? स्कूल पर सीसी टाइल लगवाई है काफी, और चुवाड़ा वाड़ा है ये दरवाजे लगवाए हैं, और सीसी टाइल जो सरकारी बिल्डिंग में। यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर है? बारात घर नहीं है। पंचायत घर? आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी भी नहीं है केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है यहाँ। खेल का मैदान? ना खेल का मैदान भी नहीं है। अस्पताल? अस्पताल कितनी दूर है? अस्पताल तो मोड़ा पाड़ी है, बड़ा अस्पताल वो करीब ऐसे करीब 10 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर जी। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से यही है ज़्यादा से ज़्यादा विकास मिल जाए, तो विकास से ही गांव आगे बढ़ेगा जी। और शिक्षा का स्तर भी, पढ़ाई का स्तर बढ़िया, स्कूल अच्छा होना चाहिए इससे, और भी स्कूल होती है कोई जी जी जी। अगर पंचायत घर को लेकर भी आप मांग रखना चाहेंगे? हाँ रखना तो चाहेंगे, लेकिन वो दरअसल ग्राम समाज की जगह नहीं है इतनी जो कहीं बन पा रहा है। ग्राम समाज की जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है गाँव में जी। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा इन 4 सालों में करवाया गया है। जैसे सीसी टाइल्स कार्य, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ काफी लोगों को मिले हैं, ओडीए भी ग्राम पंचायत हो चुकी है, कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में भी काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ कुछ मूलभूत समस्याएं बाकी हैं जिनसे यहाँ लोग जूझ रहे हैं। जैसे कि ग्राम समाज की भूमि न होने के कारण बारात घर, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र तक यहाँ पर निर्मित नहीं है। अशरफ अली के साथ मैं नाज़रीन टुडे 24 से।